इसलिए संसार में दुर्लभ बताई गई तीन चीजें क्या दुर्लभ है संसार में, स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा, दुर्लभम कैने वेत देवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ये तीन चीजें संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है, क्या प्राप्त करना दुर्लभ है संसार के अंदर? वो कहते हैं कि जीव के लिए तीन चीजें दुर्लभ है। दुर्लभम त्रैमे वेद देवानुग्रहेतुकम, देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। तो सबसे पहली चीज जीव को दुर्लभ है मनुष्यत्वम, अर्थात मनुष्य का जीवन। लेकिन यहां पर जिस शब्द का प्रयोग है, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम अर्थात मनुष्य जीवन। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्यत्व मनुष्य जीवन से भी बढ़कर है। अर्थात जीवन तो मिला लेकिन मनुष्यता नहीं मिली। मनुष्य देह धारण करकर भी कोई मनुष्य ना बन पाए तो यही जीवन की सबसे बड़ी हानि है। इसलिए जब संतों को पढ़ते हैं, आदि शंकराचार्य की जो वाणी है आप पढ़ेंगे, ये तो अनुसंधान का विषय है। लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लगभग जीवन के 15-16 वर्ष इसी अनुसंधान में बीत गया। क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। कबीर साहब, संत कबीर दास जी बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सरल ढंग से बताने का प्रयास उन्होंने किया। अगर आप शास्त्रों को पढ़ने में विश्वास रखते हैं, अनुसंधान में, रिसर्च में विश्वास रखते हैं, तो कभी संत कबीर साहिब और आदि शंकराचार्य को एक साथ पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। आपने तो सुना होगा कि भाई आदि शंकराचार्य ने तो वो तो हिंदू, कबीर तो निराकार के उपासक, और संत आदि शंकराचार्य जी क्या वो निराकार के उपासक नहीं थे? अद्वैत वेदांत के संस्थापक, अद्वैत जो द्वि से परे था। इसलिए शंकराचार्य और कबीर का मत एक था, अलग अलग नहीं था, एक मत था। अद्वैत जो द्वैत से परे है, जो सुख दुख से परे है, लाभ हानि से परे है, पाप पुण्य से परे है, जिसका वास अद्वैत में है, द्वैत से परे है, जो ड्वैलिटी से ऊपर है, वो एक है, वो एक ब्रह्म है। एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति, उपनिषद कहते हैं। वेदांत की आधारशिला उपनिषदों के ऊपर रखी गई, उपनिषदों के मंत्र के ऊपर, उपनिषदों के सूत्रों के ऊपर। इसलिए उपनिषद कहते हैं एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति, ब्रह्म एक है, कभी दो नहीं हो सकता, कभी दो नहीं हो सकता, कभी दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म एक है समझाना चाहते हैं संत अपनी वाणी से, ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में। इसलिए शंकराचार्य जी यही समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति, प्रभु से एक होना, प्रभु से जुड़ना, प्रभु से मिलने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, भक्ति है क्या चीज। सत्संग का यही हरि कथा का उद्देश्य ही यही है कि जीव को यथार्थ समझ में आए कि यथार्थ क्या है।
भक्ति करे सब लोग संतो मन मुख थाई न पाई, भक्ति करे पर विधि ना जाने तुझे रे मन लाई। सारा संसार करता है लेकिन वो विधि उसे प्राप्त नहीं, और विधि प्राप्त नहीं होने के कारण सारी समस्या है जीवन के अंदर, सारा संताप है, सारा दुख है। मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है उसे मिलता नहीं है। वास्तव में जो उसे प्राप्त करना है, जो सोच है उसकी, यह मनुष्य प्राप्त क्या करना चाहता है? सुख ही तो चाहता है अपने जीवन के अंदर, सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जिस दिशा में भाग रहा है वह दिशा गलत पकड़ लेता है, रास्ता गलत पकड़ लेता है। सुख प्राप्ति का जो मार्ग है वो गलत पकड़ लेता है, और गलत रास्ता पकड़ने के कारण उसका जीवन दुखी रहता है। यह संपूर्ण संसार मृग मरीचिका के समान है। जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम बसत है दुनिया बूझे नाही। घट के भीतर है शांति का खजाना, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ये अंश जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख की राशि है, वो ईश्वर सुख की राशि है, उसका विनाश तो नहीं होता। वो जीव ईश्वर का ही अंश है, वो स्वयं ईश्वरमय है, स्वयं ईश्वर से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी दुख का भोग उसे है। अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो सिद्धार्थ जी ने लिखा कि अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, ऐसे परमात्मा जो अछत है, अछत मतलब हम तिलक करते हैं, चावल के दाने लेते हैं, माथे पे लगा दिया, उसे कह दिया कि अछत लगा दिया, और जब तक माथे पे नहीं लगाया तब तक वो क्या था? चावल था, एक अन्न था, लेकिन जैसे ही उसे मस्तक पे लगा दिया तो क्या बन गया? अक्षत बन गया। अक्षत मतलब जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका विनाश नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। बहुत बड़ा रहस्य है कि चावल का दाना यहां पर भ्रकुटी के मध्य त्रिकुटी द्वार पर अगर लग गया तो वो अक्षत हो गया, क्योंकि यहां पर जिसका वास है उसकी क्षति नहीं होती, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता, जीव कभी मरता नहीं है। इस संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, द्वैतमय है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के वशीभूत है, जन्म मरण के वशीभूत है, जो जन्म लेगा मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मन को एकाग्र करना, ये मन ही है जो जीव है। जीव कहते हैं जब इस देह का त्याग करेगा, दूसरा शरीर धारण किया तो जीव हुआ, लेकिन जो इस शरीर के अंदर कार्य कर रहा है वो जीव ही है, वो मन ही है, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप कान से सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? कान से सुन रहे हैं ना भाई, आंख से तो नहीं सुन रहे? आंख से सुन रहे हैं, दांत से सुन रहे हैं? नहीं ना, कान से सुन रहे हैं। और मैं किससे बोल रहा हूं? मुंह से बोल रहा हूं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो मुंह से बोल रहा हूं और आप कान से सुन रहे हैं, तो क्या आप कान हैं? आप कान हैं क्या? और मैं मुंह से बोल रहा हूं तो क्या मैं मुंह हूं? तो मैं कौन हूं और आप कौन हैं? यही तो प्रश्न है। तुम हो,
कौन कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, कहीं कारण तू भरमत डोले, तन तज कहां बसेरा। पूछो अपने आप से कि मैं कौन हूं, क्या मैं हाथ हूं, क्या मैं पैर हूं, क्या मैं नाक हूं, क्या मैं माथा हूं, क्या हूं मैं, क्या मैं श्वास जो आ जा रही है क्या मैं वो हूं। आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण अष्टकम का निर्माण किया। निर्वाण अष्टकम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं चित्त हूं, ना श्रुत्रे ना जिह्वे, ना मैं कान हूं, ना मैं जिह्वा हूं, ना मैं मुख हूं, ना मैं त्वचा हूं, ना मैं नेत्र हूं, मैं हूं कौन आखिर, एक प्रश्न है। और इसी को तो जानना है, सत्संग का उद्देश्य ही यही है। श्रीमद् भागवत कथा चतुष्पदी भागवत का ज्ञान ही यही है कि स्वयं को जान लो। चतुष्पदी चौथी अवस्था, चौथा पाद तूर्य अवस्था, पहला दूसरा तीसरा को छोड़कर जो अवस्था बनती है उसे तूर्य अवस्था कहते हैं। स्वप्न जागृत, स्वप्न सुषुप्ति के परे तूर्य अवस्था चतुष्पाद है, जहां जीव सर्वस्व जान लेता है, सर्वव्यापकता का अनुभव कर लेता है कि वह इस शरीर तक सीमित नहीं है, वो हर जगह विराजमान है, हर जगह उसका फैलाव है, उस तत्व को जान लेता है। आवश्यकता जानने की है, इसलिए संत जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो सिर्फ कथा कहानी सुनाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप जान लो अपने भीतर बैठे तत्व को। वो तत्व ही बोल रहा है, वो तत्व ही सुन रहा है, वो सुनने वाला तत्व है, वो बोलने वाला तत्व है, वही तो कृष्ण है, वही तो कृष्ण है, वही तो शिव तत्व है, वही शिव की परम चेतना है। इसलिए जीवन, ये मनुष्य जीवन ही सामर्थ्य रखता है जानने का, अन्यथा निकले कहीं और, मिलता कुछ और है, कुछ प्राप्ति नहीं होता, निकले तो कुछ और प्राप्त करने को, पहुंच कहीं और जाते हैं, जाना कहीं और, चले कहीं और जाते हैं। इसलिए कबीर ने और आदि शंकराचार्य ने, अगर आप कबीर को पढ़ना आसान है इसलिए लोग आसानी से पढ़ लेते हैं क्योंकि अवधी भाषा में उन्होंने अपने बातों को कहा। आदि शंकराचार्य ने संस्कृत में कहा लेकिन जो बातें कही वही थी। काशायांबर बहुकृतवेश पश्य न पीच न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृतवेश जटिलो मुंडी लुंचित केश। व्यक्ति भक्ति के लिए जटाएं बढ़ा लेता है, नाखून बढ़ा लेगा या तो सिर को मुड़वा लेगा, काशाय वस्त्र धारण कर लेगा, लेकिन फिर भी उसे जो तत्व मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, मात्र अपना पेट भरता है, मात्र अपना पेट भरने तक सीमित रह जाता है। जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति कभी हो नहीं पाती है। इसलिए आवश्यकता है समझने की, तत्व को जानने की, भक्ति के मर्म को समझने की। जब समझ में आएगा तो जीवन सरल हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा, जीवन जीना आसान हो जाएगा, मन निश्चिंत रहेगा, मन बेचैन नहीं रहेगा। आवश्यकता है तत्व को जानने की, जिस दिन जान जाएंगे जीवन अनुकूल हो जाए, जीवन में कोई अनुकूल संत आ जाए जो बता दे कि कैसे अनुकूल होना है, कैसे समझना है, कैसे जानना है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवार। सत्यव्रत मनु, सत्यव्रत महाराज बनू, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की भक्ति, श्री हरि की भक्ति में उन्होंने लगा दिया, संपूर्ण जीवन प्रभु की भक्ति में लगा दिया। प्रभु भक्ति का चिंतन, प्रभु का ही चिंतन, उन्हीं का सुमिरन, मन को उसी में एकाग्र किया, संपूर्ण विषयों से अपने मन को मोड़कर तपस्या में लग गए, तप में लग गए। और जब तपस्या में लग गए, तप करने लगे, मात्र जल पीकर
अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जल पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, नदी तट पर खड़े होकर नदी के जल से तर्पण कर रहे थे, अपने दोनों हाथों की अंजलि में उन्होंने जल लिया और तर्पण करने लगे। जैसे ही तर्पण करने लगे तो उन्होंने अपने हाथों के जल में देखा कि एक छोटी सी मछली, इतनी सी, एक इंच भर उसकी साइज होगी, इतनी सी छोटी सी मछली उनके हाथों में पानी के अंदर आ गई। जैसी हाथों की अंजलि में वो छोटी सी मछली आई और तर्पण करने लगे जल से, तभी उस छोटी सी मछली ने कहा कि हे आर्य, मैं अभी बहुत छोटी हूं और इस समुद्र के अंदर एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, एक जलचर दूसरे जलचर को खा जाता है और इसी भय से मैं बहुत व्याकुल हूं, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे समुद्र के जल से बाहर निकाले, क्योंकि समुद्र के अंदर, इस समुद्र में, इस नदी में बहुत विशाल विशाल मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, वो आज नहीं तो कल मुझे खा जाएंगे, मैं उनका ग्रास बन जाऊंगी, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले जाइए। जैसे ही ये आर्त पुकार सत्यव्रत मनु ने श्रवण की, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपने लोटे में स्थान देता हूं। उन्होंने लोटे में पानी भरा और उस मछली को उसमें डाल दिया और उसे लेकर अपने आश्रम चले गए। जब अपने आश्रम पर पहुंचे तो आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने अपने लोटे को जब देखा तो वह मछली लोटे के आकार के बराबर हो चुकी थी, उसका साइज बढ़ चुका था, छोटी सी एक इंच की मछली लगभग एक हाथ की हो गई, जब एक हथेली की हो गई। उस मछली ने फिर कहा कि हे आर्य, यह स्थान अब मेरे लिए छोटा पड़ चुका है, आप मुझे कोई उचित स्थान दे जहां मैं रह सकूं। उस मछली को सत्यव्रत मनु ने एक घड़े के अंदर, एक बड़ा सा घड़ा उसमें डाल दिया। कुछ समय के लिए वो गए और जैसे ही वापिस आते हैं उस मछली ने घड़े का आकार ले लिया, घड़े के व्यास के बराबर उसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई भी बढ़ गई। मछली ने फिर कहा कि हे महाराज मनु, यह घड़ा भी मेरे लिए छोटा हो चुका है, आप मुझे इस घड़े से निकाल दीजिए, मुझे किसी सरोवर में डाल दीजिए। जैसी ये प्रार्थना की, महाराज मनु ने उस मछली को निकाला घड़े से और एक सरोवर में, छोटा सा सरोवर था, उसमें डाल दिया। देखने भर की देर थी, कुछ क्षण के भीतर ही उस मछली ने अपना आकार बढ़ाया और उस मछली ने सरोवर के बराबर अपना आकार बना लिया, वो सरोवर भी छोटा पड़ गया। मछली ने फिर कहा कि हे सत्यव्रत मनु, तुम सत्यव्रत को धारण करने वाले हो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, इस जल से मेरा भरण पोषण नहीं होने वाला, यह सरोवर मेरे सामने अब छोटा पड़ गया है, मुझे किसी दूसरे जल में ले जाओ, किसी दूसरे जल में, किसी दूसरे सरोवर में। उससे दुगना बड़ा सरोवर महाराज मनु उससे दुगने बड़े सरोवर में ले जाकर उस मछली को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में उस मछली ने फिर से अपना आकार बड़ा कर लिया, उस सरोवर के बराबर हो गई और बराबर होकर बोलती है, हे महाराज मनु, मैं आपकी शरण में हूं, यह सरोवर भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है, आप मुझे इससे भी बड़े सरोवर में, इससे भी बड़े झील में ले जाइए। महाराज मनु उसे बहुत बड़े सरोवर में ले जाते हैं, लेकिन क्षण भर में उसने अपना आकार विस्तार किया और उस सरोवर के बराबर हो जाती है। फिर महाराज मनु उसे बहुत बड़े झील में डालते हैं और उस झील के बराबर अपना रूप धारण कर लेती है, जो बहुत विशाल हो जाती है। फिर कहती है कि हे सत्यव्रत मनु, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मुझे स्थान दो, इससे भी बड़ा स्थान दो, अब यह झील भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है, यह भी छोटा हो चुका है। महाराज मनु ने उसे लिया, उसे खींचकर, उसका सिंह निकला हुआ था, उससे सिंह से एक रस्सी बांधकर खींचकर समुद्र के किनारे ले गए और जब समुद्र के किनारे ले गए
तो उस मछली ने 400 कोस का आकार विस्तार कर लिया और फिर बोली कि सत्यव्रत मनु, तुम तो मुझे फिर से समुद्र में ले आए, यहां बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, कहीं फिर से मुझसे बड़ी मछली मुझे खा तो नहीं जाएगी। महाराज मनु ने कहा कि आप ये मत्स्य रूप धारण करने वाले कौन हैं? मुझे लगता है कि आप जरूर मेरे प्रभु श्री हरि भगवान हैं। मात्र एक दिन में आज सुबह 1 इंच के बराबर थे, आज आपका आकार 400 कोस के बराबर हो चुका है। हे भगवान, मुझ पर कृपा करें और अपना रहस्य प्रकट करें, आपने ऐसा विशाल रूप क्यों धारण किया है और ऐसी अद्भुत मत्स्य लीला मेरे सामने क्यों की है? आपका क्या प्रयोजन है प्रभु, क्या प्रयोजन है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई तो क्षमा कीजिए, और अगर मेरे लिए कोई उचित कार्य है तो आज्ञा कीजिए, मैं आपको प्रसन्न करने वाला कौन सा कार्य करूं? तब भगवान मत्स्य ने कहा कि मनु कल्प प्रवर्तित होने वाले हैं, महाप्रलय का समय आने वाला है, इसलिए शीघ्र ही ये संपूर्ण पृथ्वी जल प्रलय से भर जाएगी, चारों तरफ जल ही जल होगा, कहीं पर कोई भूमि नजर नहीं आएगी। अति शीघ्र ही 1 हफ्ते का मात्र समय है जल प्रलय के प्रारंभ होने में, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने वाला हूं, क्योंकि नव युग की जो प्रारंभ है वो तुम्हारे द्वारा होगा। हे मनु, हे सत्यव्रत को धारण करने वाले सत्यव्रत मनु, मैं तुम्हें सही सही बता रहा हूं, तुम सही सही मेरी वाणी को सुनो। आज से 7 दिन बाद जल प्रलय प्रारंभ होगा और उस समय एक नाव तुम्हारे पास आएगा, तुम उस नाव में सप्त ऋषियों को बिठा लेना, और सप्त ऋषियों को बिठाकर सभी जीवों की एक एक सूक्ष्म जोड़ा, उनका सूक्ष्म देह तुम रख लेना, सभी वनस्पतियों का बीज रख लेना उस नाव के अंदर, और फिर तुम मेरा आह्वान करना, मुझे मेरी भली भांति पूजन कर मेरा आह्वान करना। उस समय मत्स्य रूप धारण करके मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और फिर मेरे सिंह से वासुकी नाग को अपने नाव से बांध लेना, उसका एक सिरा मेरे सिंह से और एक सिरा अपने नाव से बांधना, और फिर संपूर्ण संसार में